अरे पापा कब पहुँचेंगे? पूरा पुत्र पहुँचने वाले, बस थोड़ा सा और। अरे ये पिज्जा भी ठंडे हो गए होंगे जब से रखे। अरे पागल है के, अभी तो गरम गरम बनवाए। अरे पापा अभी बनवाए नहीं, एक घंटा हो गया इनको बनवाए, जब से आप टापू ढूंढ रहे आपको टापू नहीं मिल रहे। अरे बेटे बस पहुँच गए, यही टापू है, आज हम यही पर ही कैंपिंग करेंगे। अरे वाह, आखिरकार हम टापू पर पहुँच गए। अरे ये क्या, अरे बीरबानी पागल है हो रही है, तेरे चक्कर में देख यो मैंने ऊपर चढ़ा दी बोट, अब इसको नीचे कैसे उतारेंगे। अरे पापा टेंशन मत लो, मैं इसको धक्का मार के नीचे उतार दूंगा। अरे बेटे मेरे को पता है तू बड़ा हो गया, पर इतना अभी ताकत रखो, नहीं तेरे बाप की तरह जो धक्का मार के बोट सरका देगा। अरे तो ठीक है ना, तुम ही सरका लेना, तुम ज्यादा ताकतवर हो तो। अरे तू बालक ने उल्टी सीधी शिक्षा मत दिया कर, ठीक से ना आ जाओ बुराने जल्दी सी। अरे देखो कितना मस्त मौसम हो रहा है, मौसम हो रहा है चारों तरफ धुंध हो रखी है। अरे बावली यही तो तने ना बेरा, एक सना धुंध में होया करे जो कोई देख ना पावे, अगर किसी ने देख लिया तो मैं यहाँ पर फालतू में नजर लग जाऊंगी ना। अरे तुम भी बस रुक जाओ यहीं पर ही। अरे रुक तो जा, कितनी तो रुकेंगे। ओए उत देखो, अरे बेटे मजा आ गया, और लुगाई उराना मेरे कने। अरे कैसे वर्ड यूज करते हो तुम भी। अरे हम तो ठाडे गबरू जवान है हरियाणा के, हम तो ऐसे ही बोलेंगे। अरे छोरे देख कहीं ना उरा पहली पिज्जा खा रखे है। अरे पापा पिज्जा से याद आया, आप तो पिज्जा भूल ही आए। अरे जा बेटा तू जाके लिया इतने। हाँ तू जाके पिज्जा लेके आ, इतना हम देखे और क्या करेंगे। तो चलो गाइस यार हम लोग जल्दी सी बोट में से पिज्जा लेने चलते हैं, और भाई साहब तो बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मैं मेरे पापा मम्मी कैंपिंग करने वाले हैं यहाँ पर। कूल कूल, भूख लगी है मुझे, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए चाहिए। ये खुशबू तो मेरे को अच्छी लग रही है, और ये खुशबू यहाँ इस सामने टापू पे से आ रही है। चलो इस टापू के ऊपर जाके देखता हूँ कि कौन आया है आज। अरे यहाँ पर तो कुछ मेहमान आए हैं। अरे तुम्हारे पीछे देखो कितना बड़ा जाइंट मॉन्स्टर है। अरे बावली हो रही है के लुगाई, मतलब दिन में भी नशे। अरे भाई यो के है, अरे भाई तुम कौन हो, के कर रहे हो रे? मैं इधर तुम दोनों को खाने आया हूँ, चलो आ जाओ। अरे बचाओ प्लीज। मजा आ गया, आज तो खाने का जुगाड़ हो गया। पापा कह रहे कि मुझसे बोट नहीं सरकेगी, मैंने बोला पापा को मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। बच्चों, ये तो मम्मी की आवाज है। ये क्या है, इतना बड़ा मॉन्स्टर, यहाँ पर आखिर ये मॉन्स्टर आया कहाँ से? ओ माय गॉड, और ये क्या, वो रही मेरी मम्मी। खाने का जुगाड़, मैंने दोनों को मार दिया, इन दोनों को मस्त खाऊंगा। मेरे को मम्मी पापा को बचाना पड़ेगा, मम्मी पापा। अरे मुझे बच्चे को बचाना पड़ेगा, इसको चल इस लेके चलता हूँ मार के। ये ले। आहा, यार ये क्या हुआ? बचाओ मम्मी, मम्मी पापा। अरे ये मैं कहाँ पर हूँ, और तुम कौन हो, तुमने मेरे को बेहोश किया क्या मार के? अरे लड़के हाँ मैंने ही तुझे बेहोश किया था, वो तो मैंने तेरी जान बचा ली। मेरी मम्मी, मेरे पापा। अरे अरे बच्चे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या? अरे अंकल आपकी वजह से मेरे मम्मी पापा मर गए। अरे पागल हो क्या, मेरी वजह से तो तुम्हारी जान बच गई, वरना जैसे तुम्हारे मम्मी पापा का हाल हुआ है वैसा ही तुम्हारा होता, वो मोचे तुम्हारे मम्मी पापा के साथ तुम्हें भी मार डालता। मेरे मम्मी पापा को उसने मार डाला, वो क्या चीज थी? अरे वो असल में यार बहुत बड़ा मॉन्स्टर है, वो है ऑक्टोपस किंग। वो जब से इस समुंदर में आया है उसने काफी ज्यादा आतंक मचा रखा है, उसने मेरी वाइफ, मेरे दोनों बच्चों, मेरी पूरी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया। और जब से मैं यहाँ पर रहता हूँ इस गुफा के अंदर, क्योंकि वो इसके अंदर आ नहीं सकता। आप अपने बच्चों और अपनी वाइफ का बदला नहीं लेंगे उससे, आप कैसे बुजदिल आदमी है। अरे ऐसी बात नहीं है, गुस्सा तो मुझे भी आता है, मेरा हमेशा से मन है उससे अपना बदला लेने के लिए, मेरी फैमिली का, पर मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, बताओ क्या करूँ मैं। वो सैमी है तो बहुत ज्यादा पावरफुल, कितना ज्यादा बड़ा था वो सैमी, पर मुझे मेरे मम्मी पापा का बदला लेना है किसी भी हाल में, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे बच्चे तुम कैसे अपने मम्मी पापा का बदला लोगे, तुम तो एक शार्क भी नहीं हो, बोले तो तुम तो एक समुद्री जीव भी नहीं हो, तुम तो इस धरती पर रहते हो, वो तुम्हें चुटकियों में मार डालेगा जैसे तुम्हारे मम्मी पापा को मार डाला। क्या फिर मैं कैसे बदला लूंगा, बताइए अंकल जी, मैं कैसे मेरे मम्मी पापा का बदला ले सकता हूँ, प्लीज प्लीज मुझे बताइए प्लीज। अरे तुम अपने मम्मी पापा का बदला लेना चाहते हो? हाँ मैं मेरे मम्मी पापा का बदला लेना चाहता हूँ उस मॉन्स्टर से। यार मुझे लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो। कैसे कैसे? पर उसके लिए सबसे पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करवाओ और चैनल को सब्सक्राइब करवाओ और कमेंट बॉक्स के अंदर लिखवाओ हेल्प मी, जब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। गाइस यार अगर आप लोग भी चाहते हो कि यार मैं मेरे मम्मी पापा का बदला उस बड़े मारे मॉन्स्टर से, तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो हेल्प मी हेल्प मी। हाँ तो सभी लोगों ने लिख दिया होगा, ये मैंने इसलिए लिखवाया कि मैं सोच रहा था कि तुम्हें प्रूफ करने का मौका तो मिले। प्रूफ? क्या प्रूफ करने का मौका?
अरे हर कोई ताकतवर नहीं बन सकता ना, अगर तुम्हारे अंदर वो काबिलियत होगी जिससे तुम ताकतवर बन सकते हो तो तुम जरूर बदला लोगे। उसके लिए तुम्हें एक चीज चाहिए जो मैं तुम्हें देता हूँ, ये लो बच्चे। हैं? ये क्या चीज है यार, और इसके ऊपर ड्रैगन का मुंह क्यों बन रहा है? अरे बच्चे वो कोई ड्रैगन नहीं है, वो असल में सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली पानी का जीव है। ये असल में एक वाटर ड्रैगन है जो पानी के अंदर रहता था, और इससे ज्यादा ताकतवर कोई भी नहीं। अरे फिर इस चीज का करना क्या है ये तो बताओ मुझे। तुम्हें सिंपली इसे टच करना है, इसे टच करते तुम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो। मतलब मुझे सिंपली इसे टच करना है? हाँ चलो इसे टच करो। ओके तो चलो गाइस यार इसको टच करना है मुझे, लेट्स टच इट। ओए गाइस ये देखो, ये क्या हुआ मुझे? और मेरे तो पूछ आ गई शार्क की तरह, और मेरा फेस भी चेंज हो गया, और मैं बड़ा भी हो गया पहले से। अरे शाबाश, मतलब तुम वही आदमी हो। ये जादुई सिक्का हर किसी के ऊपर काम नहीं करता, मतलब तुम चुने हुए हो। चुने हुए मतलब? हाँ चुने हुए, मतलब मैं इतना ताकतवर बन चुका हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा का बदला ले सकता हूँ। अभी नहीं लड़के, अभी तुम अभी कोई बदला नहीं ले पाओगे, अभी तुम्हें ऐसे और भी बहुत सारे प्राचीन सिक्के चाहिए होंगे। प्राचीन सिक्के कहाँ से मिलेंगे मुझे? ये एक सिक्का मेरे पास था, तुम्हें समुंदर के और दूसरी शार्क्स के पास जाके ये सिक्का मांगना पड़ेगा। पर ये जरूरी नहीं कि वो सिक्का वो तुम्हें दे, तुम्हें साबित करना पड़ेगा कि तुम उस सिक्के के लायक हो। ओके ओके ठीक है तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दूसरी शार्क से मिलाता हूँ जिनके पास वो प्राचीन सिक्का है। अरे तुम कहाँ पर लेके जा रहे हो? अरे तुम मेरे पीछे आते रहो ना। अरे एक सेकंड, हम थोड़ा सा आगे आ गए। हैं मतलब? अरे बस तुम मेरे पीछे आते जाओ। यहाँ पर एक मेरा दोस्त है जिससे मैं करीब 20 साल पहले मिला था, वो यहीं पर ही रहता है। अरे वो शार्कों के इंसानों के बीच में कैसे रहता है? अरे वो इंसानों की तरह कपड़े पहनता है, इसलिए वो इंसानों के बीच रह लेता है। अच्छा अच्छा, हाँ उसी के पास हमें वो प्राचीन सिक्का मिलेगा। चलो जल्दी आओ मेरे पीछे पीछे। हाँ मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ, बस वो सिक्का देने से मना ना कर दे। अब वो तुम्हें पूछना पड़ेगा जाके, जाओ। वो मुझसे नाराज है थोड़ा। क्यों? अरे मैं उसके बर्थडे पार्टी में नहीं गया था। जाओ जाओ मुझसे बात मत करो, सामने खड़ा उससे जाके पूछो कि प्राचीन सिक्का देगा या नहीं देगा तुम्हें। ओके तो चलो गाइस यार, एक सेकंड, वो ही लगता है यार मेरे को। हाँ कोई शार्क टाइप में खड़ा तो आके। हाँ यार देखो इसने इंसानों की तरह कपड़े भी पहन रखे। हेलो भाई साहब, आप ही ओके जिसके पास प्राचीन सिक्का है? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास प्राचीन सिक्का है? ये किसी को नहीं पता कि मेरे पास प्राचीन सिक्का है, और पहली बात तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मुझे तो असल में तुम्हारे दोस्त ने भेजा है। कौन दोस्त? जो कि वहाँ पीछे छुप रहा है। एक सेकंड, उसे तो मैं जानता हूँ। हाँ वो छुप रहा है, प्लीज उसे बुलाना मत। ठीक है, पर मैं तुम्हें प्राचीन सिक्का क्यों दूंगा? तुम मेरे क्या लगते हो? मैं तुम्हें प्राचीन सिक्का नहीं देने वाले, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। ऑक्टोपस को छोड़ूंगा नहीं, उस राक्षस को जिसने मेरे मम्मी पापा को मारा है। तुम उस ऑक्टोपस को मारना चाहते हो? हाँ मैं उस ऑक्टोपस को मारना चाहता हूँ। पागल हो क्या? उससे कोई नहीं लड़ सकता, वो बहुत ताकतवर है। आपके दोस्त ने अपना सिक्का मुझे दिया है, मैं पहले एक नॉर्मल सा सोनिक था, आपके दोस्त ने अपना सिक्का दिया, तो आप अपने दोस्त के ऊपर भरोसा करके अपना सिक्का नहीं देना चाहेंगे? तुम्हें एक सिक्का मिल चुका है। हाँ और मैं बाकी सिक्के भी इकट्ठा कर लूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर कैसे भरोसा करूँ? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सारे सिक्के इकट्ठा कर लूंगा। चलो ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो वो सिक्का वैसे मेरे कोई काम का नहीं, क्योंकि मैं वापस समुद्र में नहीं जाने वाला। पर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो बताओ। कैसी मदद? तुम्हें देखो यार, ये मेरे उस तरफ जाने का रास्ता बंद हो चुका है, यहाँ पर सामान ही सामान बिखरा हुआ है, ऊपर हाईवे पे से लोग सामान फेंक जाते हैं। इस सारे सामान को हटा दो और मैं तुम्हें सिक्का दे दूंगा बदले में। हाँ ठीक है, डील डन। हाँ तो मैं आता हूँ थोड़ी देर में, जब तक तुम सारा सामान हटाओ। ओके तो गाइस यार, यहाँ पर मुझे ये सारा सामान उठा के फेंकना है, मतलब यहाँ से रास्ता क्लियर करना है, जिससे ये आदमी मतलब जिससे वो शार्क डायरेक्ट वहाँ पर जा सके, उसके बदले में मुझे प्राचीन सिक्का मिलेगा। ओके तो गाइस यार मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। मुझे इसको हटाने के लिए एक चुंबकीय शक्ति वाली गन चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें मेटल की बनी हुई है जितनी भी चीज़ें हैं, तो मैग्नेट से हम इन सभी चीज़ों को हवा में उठा सकते हैं और दूर फेंक सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपली कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है मैग्नेट, मेरे पास वो वाली गन आ जाएगी जिसका यूज़ करके मैं सारा सामान यहाँ से दूर फेंक सकता हूँ। तो गाइस यार 1 2 3 लिखो कमेंट बॉक्स के अंदर मैग्नेट। गाइस ये देखो फाइनली मेरे पास वो मैग्नेट वाली गन आ गई जो कि मेरे हाथ में है, तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रही होगी। अब बस मुझे इसका यूज करना है और ये सारा कचरा दूर फेंक दूंगा उठा के। ओके 1 2 3 वो ये देखो। ओके तो गाइस यहाँ पर मैंने सारा का सारा कचरा उठा लिया है। ओ नो, यहाँ पर तो धुआं धाड़ हो गई रे। सारा कचरा मेरे अंदर घुस गया भाई। ये तो रुको, मैग्नेट वाली गन बंद करता हूँ। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है भाई साहब, देखने दे मुझे। ओए 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 भाई, यही जगह थी जो मुझे साफ करनी थी। हाँ
पर ये कचरा उस तरफ चला गया। ओ नो नो भाई, कचरा तो और भी ज्यादा बुरी तरह इकट्ठा हो गया। रुको पहले दूर जाता हूँ फिर करता हूँ। इसके साथ तो बाकी सारा कचरा भी आ रहा है यार। इस गन का यूज मेरे को अच्छे से करना पड़ेगा, मैं ऊपर जाता हूँ। ओके तो गाइस यार, अभी हम लोग यहाँ टॉप पर आ चुके हैं इस टंकी के, ठीक है, सीढ़ी पे चढ़ के। अब मुझे सिंपली सारा कचरा उठाना है। ओके, यहाँ पर हमने सारा कचरा उठा लिया हवा में। और इस कचरे को किस तरफ फेंकूं? एक काम करता हूँ, उस तरफ फेंक देता हूँ। चल यहाँ से। वो भाई साहब, कितनी दूर फेंका तुम्हारे भाई ने कचरा, बहुत ज्यादा दूर। ये थोड़ा बहुत और बचा है, इसको और उठाता हूँ। आजा आजा सारा कचरा आजा। ओके ये भाई सब सारा कचरा आ गया, हमने उठा लिया। ओए कोई मार रहा है मुझे, ये ले, ये फेंक दिया हमने सारा कचरा। शुक्रिया गाइस यार, तुम लोगों की हेल्प से मैंने यहाँ पर से सारा कचरा उठा लिया। अब जल्दी से नीचे चलता हूँ। आ गए हम लोग नीचे। अब बस वो आदमी आ जाए, मतलब जल्दी से वो शार्क आ जाए। देख रो भाई, सब कुछ साफ कर दिया तुम्हारे भाई ने, बिल्कुल टकाटक। बस इसको थोड़ा साइड में सरका देता हूँ धक्का मार के। ये क्या, तुमने इतनी जल्दी सब कुछ साफ कर दिया, पूरा का पूरा? हाँ पूरा का पूरा। मान गया लड़के, मैं तुम्हें, तुमने तो पूरी जगह साफ कर दी। अब मैं आसानी से अंदर जा सकता हूँ, आसानी से बाहर भी आ सकता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा बहुत ज्यादा। और मैं वादा के मुताबिक तुम्हें वो सिक्का दूंगा, ये लो। ओके तो गाइस यार, ये देखो यहाँ पर मुझे प्राचीन वाटर ड्रैगन का सिक्का मिल गया। बस मुझे इसको टच करना, उसके बाद तुम्हारा भाई अपग्रेड हो जाएगा। ओके तो चलो यार अपग्रेड होते हैं, लेट्स अपग्रेड। ये देखो गाइस यार, तुम्हारे भाई का अपग्रेड, मेरा मुंह भी एक शार्क जैसा हो चुका है। ये भाई नाइस अपग्रेड है तो बिल्कुल। अरे वो शार्क कहाँ गई? हे शार्क, अरे यार मेरे को जल्दी से बताओ ना, मेरे को आखिर तीसरा सिक्का कहाँ पर मिलेगा? अरे तीसरा सिक्का भी तुम्हें यहीं पर लॉस सैंटोस की सड़कों पे मिलेगा। कहाँ पर? सड़क पे कहाँ पर? अरे यार मतलब किसी से लेना पड़ेगा, एक शार्क से लेना पड़ेगा, और वो एक फीमेल शार्क है। फीमेल शार्क से मुझे लेना पड़ेगा? हाँ उससे लेना पड़ेगा। जो तुम घर देख रहे हो मेरे पीछे, ये वाला घर, इसी के अंदर रहती है वो लेडी शार्क, उससे तुम्हें वो प्राचीन सिक्का मिलेगा, जाओ अब। ओके तो गाइस यार, इस वाले घर के अंदर जाना है और यहाँ पर एक लेडी शार्क रहती है जिसके पास से मुझे प्राचीन सिक्का मिलने वाला है। अब इसकी एंट्री कहाँ से है? डायरेक्ट ही कूद जाता हूँ यार, यहाँ से नहीं जा सकते भाई यहाँ पर, क्योंकि घास लगी हुई है, घास के ऊपर से शायद मैं कूद नहीं सकता। यहाँ से कूद के देखते हैं। आ गए। चलो गाइस यार घर के अंदर तो आ गया हूँ। हेलो, है कोई घर पर? हेलो लेडी शार्क। हेलो, कोई नहीं है यहाँ पर? ओ ये रीना। हेलो लेडी शार्क, प्लीज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे कौन है? अरे तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो? अरे मुझे असल में तुम्हारे दोस्त शार्क ने भेजा है। मेरा कोई दोस्त शार्क नहीं है, जाओ यहाँ से, मेरा कोई शार्क वार्क दोस्त नहीं है। मेरी बात तो सुनो, क्या चाहिए तुम्हें बताओ? मुझे बस वो प्राचीन सिक्का दे दो। कौन सा प्राचीन सिक्का? तुम्हें पता है मैं असल में वो वाटर ड्रैगन के प्राचीन सिक्के की बात कर रहा हूँ। मेरे पास कोई प्राचीन सिक्का नहीं है, मुझे मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। मेरे बेटे यहीं पर ही हूँ मैं। अरे प्लीज मैडम जी, प्लीज मुझे वो सिक्का दे दो, मुझे उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे असल में लड़ाई करनी है। किससे लड़ाई करनी है तुम्हें? मुझे उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर से लड़ाई करनी है जिसने मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। मुझे उसे छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। अरे मेरे पूल में इस बार लिख लो पहले। हाँ मैडम जी, गलती से गिर गया था। मुझे नहीं तुम्हारी लड़ाई में साथ देना। उस शार्क मॉन्स्टर ने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मैं इसलिए यहाँ पर रहती हूँ इस अपने घर में। मैं इसलिए कभी भी समुन्द्र में वापस नहीं जाती। क्या, तुम्हारे पति को उसने मार डाला? हाँ, और मैं नहीं चाहती कि अगर उसे पता लगा कि मैंने किसी की मदद की उसके खिलाफ, तो वो मुझे भी मार देगा। पर मैं कभी वापस जाऊंगी नहीं, तो मेरे को मारेगा कैसे? और रही बात वो यहाँ पर तो आने से रहा। मतलब तुम मेरी मदद नहीं करोगी सिक्का देने में? नहीं करूंगी मैं तुम्हारी मदद। ओके चलो ठीक है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती, आज ना कल वो मॉन्स्टर इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो यहाँ पर भी आके तुम्हें मारेगा, लॉस सैंटोस पे भी हमला करेगा। उस दिन रोना कि तुमने मुझे सिक्का क्यों नहीं दिया। वापस आओ। क्या हुआ, अब क्या हो गया? तुम्हारी बातें एकदम सही है, आज ना कल वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो मुझे यहाँ पर भी आके परेशान कर सकता है। मैं नहीं चाहती जैसे मेरे पति मरे, मेरा बेटा मरे। मैं हाँ बेटे यहीं पर हूँ मैं, तो मैं तुम्हें वो प्राचीन सिक्का दूंगी, पर उसके लिए तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा? मैं 5 मिनट में वो सिक्का लेके आती हूँ, मैंने मेरे घर पर नहीं रख रखा, वो मैंने कहीं और छुपा के रख रखा है। ओके ठीक है ठीक है, जब तक तुम मेरे बेटे का ध्यान रखोगे? हाँ रखूंगा। ठीक है, तो मैं प्राचीन सिक्का लेके आती हूँ, जाके जल्दी से। ओके तो गाइस यार यहाँ पर चलो, मेरे को ज्यादा बातें बनानी पड़ी, मेरे को सिक्का पर मिल जाएगा। और ये छोटा सा बच्चा, और बच्चे क्या अल्लाह, बड़ा क्यूट सा बेटा यार सही में तू तो भाई। चल चुपचाप इसी के अंदर रही हो जब तक मैं यहाँ पर देखता हूँ। अले तलो अंकल मेरी तरफ देख नहीं ले,
अब मैं दाऊंगा और मम्मी की गादी तलाऊंगा। मेरे को मम्मी की गादी तलाने में बड़ा मजा आता है। मम्मी की गादी मिल गई, चलो मम्मी की गादी के अंदर बैठता हूँ। ये ओए बेटे पम्मी थी दादी। भाई साहब घर तो काफी मस्त बना रखा है सेम यार लेडी शार्क ने, है ना। ओए तेरी मम्मी, ए एक सेकंड, वो कहाँ चला गया भूतनी का? अब वो बच्चा यहीं पर ही तो था। अरे अरे नहीं, वो बच्चा कहाँ पर चला गया? ओए बच्चे, वो कहाँ पर मर गया भूतनी के? गाइस यार अगर मेरे को ये बच्चा नहीं मिला तो इसकी मम्मी नाराज होकर मेरे को सिक्का बिल्कुल भी नहीं देने वाली। क्या करूँ क्या करूँ? अरे चलो बैठता हूँ गाड़ी के अंदर। अरे इंजन स्टार्ट होने की आवाज कहाँ से आई? अले ये ओ यो 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 यो। अले अंकल नमस्ते, मैं तला घूमने। अबे इसकी ऐसी तैसी, इस बच्चे को गाड़ी चलानी आती है। ओ रुक। अले तलो बेटे मजा आएगा, ओ गाड़ी तलाऊंगा मैं तो, बल्ले 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 बल्ले। ओ नो 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 गाइस, वो बच्चा गाड़ी लेके चला गया। ओए रुक जा भूतनी के। गाइस यार उस बच्चे को पकड़ना पड़ेगा, भागो भागो जल्दी जल्दी भागो। क्या करूँ क्या करूँ, कहाँ गया होगा वो बच्चा? जल्दी निकलो यार। ओए चलो बाहर आ गया। अब वो बच्चा कहाँ गया गाड़ी लेके? ओए एक सेकंड, वो रहा ट्रैफिक में। अले कौन पागल आदमी है, गाड़ी रास्ते में थदी कल गया। मेरी गाड़ी निकलने के जिगा दे भूतनी के। ओए बालिकल, ओ चलो बर्गर खा लिया। अरे एक सेकंड, ये बच्चा क्या कर रहा है? ओ बच्चे क्या कर रहा है यहाँ पर तू? ओए मेरी गाड़ी का शीशा किसने तोड़ा? ओए बच्चे तूने मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ा है, मैं तेरे को चाड़ूंगा नहीं। ओ गाइस, अले अंकल मैं तुम्हें तोड़ूंगा नहीं। अरे रुक जा रुक जा, अबे तेरी ऐसी तैसी। ये ले इसको मारता हूँ। अबे तूने इस छोटे से बच्चे को मारा? ओ चल बच्चे घर चल जल्दी सी। अले मैं इसको तोड़ूंगा नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, उसको छोड़, घर चल, तेरी मम्मी छोड़ेगी नहीं वरना मेरे को। अले अंकल उतने मुझे मारा था? अरे हाँ मुझे पता है तेरे को मारा था, पर मैंने उसकी धुलाई लगा दी ना। अले अंकल आप टाइम ही बड़े अदीब आदमी हो। अरे बेटे भाई प्लीज यहीं पर ही खड़ा रहे तेरी मम्मी आने तक। शुक्र उस आदमी का भाई जो उसने गाड़ी अपने रास्ते में खड़ी कर दी थी, वरना ये तो गाड़ी लेके पता नहीं कहाँ भग जाता है यार बार बार बचा। चलो चलती हूँ जल्दी सी। कहाँ पर है? हे ये लो, मैं प्राचीन सिक्का लेके आ गई। अले मम्मी अपने गल के बाल आज लदाई हो गई, मैंने उसको बहुत माला, पल उतने मुझे माला। क्या तुमने लड़ाई की? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो बकवास कर रहा है ना बच्चे। चल जा जा पानी के अंदर खेल जा। अले अंकल क्या कर ले, धक्का क्यों दे ले हो? जा जा पानी के अंदर खेल, पानी के अंदर खेल जा, चॉकलेट मिलेगी तेरे को। चुप रहे बहन के भाई, चुप बैठा रहे थी, मम्मी मेरे को फिर सिक्का नहीं देगी। अरे क्या बात कर रही है? अरे कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे आप वो सिक्का लाई थी, सिक्का दो ना मेरे को जल्दी सी। ये लो। ओके तो गाइस यार फाइनली मुझे वाटर ड्रैगन का अगला सिक्का मिल चुका है, बस मुझे इसको टच करना, उसके बाद हम लोग अपग्रेड हो जाएंगे एक बार फिर से। तो चलो गाइस लेट्स अपग्रेड। वो गाइस ये देखो भाई, अब तुम्हारा भाई कितने खतरनाक वाले सोनिक शार्क के अंदर अपग्रेड हो चुका भाई। एक एक करके तुम्हारा भाई कितना ज्यादा सुपर कूल अपग्रेड होता जा रहा भाई। अब उस ऑक्टोपस की खैर नहीं, मेरा लास्ट अपग्रेड कितना ज्यादा पावरफुल होगा मैं तो अभी इसी सोच के सोच रहा हूँ भाई। कमाल भाई कमाल। अरे ये रहा, हे शार्क मैन। अरे यार मेरे को और भी ज्यादा वो ड्रैगन के प्राचीन सिक्के कहाँ मिलेंगे? अरे अब जो तुम्हें प्राचीन सिक्के मिलने वाले वो असल में तुम्हें मिलेंगे इस जूडो के अंदर। इस जूडो के अंदर मिलेंगे तुम्हें और प्राचीन सिक्के। यहाँ पर असल में तीन भाई रहते, वो तीनों शार्क भाइयों का जूडो है ये। इसके अंदर जाओ, वो तुम्हें सिक्के देंगे, बाकी मुझे नहीं पता। ओके तो चलो गाइस यार चलते हैं यहाँ पर इस जूडो के अंदर। ओके भाई एक सेकंड यार, ये तो सिक्के जैसा ही है ना। हाँ ये दरवाजा देखो, इस दरवाजे के ऊपर तो एक ड्रैगन बन रहा है, जैसा ड्रैगन का सिक्का मुझे चाहिए। कहीं यही तो वो सिक्का नहीं है? एक बार टच करके देखता हूँ। अरे नहीं यार ये तो एक दरवाजा है। अच्छा वो दरवाजे की प्रिंट में है, मतलब इन लोगों के पास पक्का मुझे सिक्का मिलेगा यार। देख रहे हो बिल्कुल वैसा ही प्रिंट है उस सिक्के जैसा। चलो चलते हैं भाई, ये तो काफी बड़ा जूडो है यार, कुंफू कराटे सीखते लोग यहाँ पर। ओके यहाँ का कौन मालिक है? अरे हेलो यहाँ पर कौन शार्क है? यार मेरे को ऐसा क्यों लगता है ये वाटर ड्रैगन है। हाँ ये वही वो प्राचीन वाटर ड्रैगन मेरे हिसाब से, देख रहे हो आप लोग भाई। यार ये पानी के अंदर है पर ये पत्थर का बना रखा है, असली तो नहीं लग रहा क्योंकि एक उस तरफ एक इस तरफ है। हे कौन है? ऊपर आके बात करो अगर तुम्हें बात करनी है तो। ओके तो गाइस यार यहाँ पर ऊपर कोई मेरे को बुला रहा है, चलो ऊपर चलते हैं। हाँ भाई यहाँ पर देख रहे हो चारों तरफ इसी वाटर ड्रैगन की तस्वीरें जो मेरे को चाहिए, मतलब जिसके सिक्के मुझे चाहिए। हेलो भाई साहब तुम ही हो क्या जिसके पास वो वाटर ड्रैगन के प्राचीन सिक्के है? इससे पहले बहुत सारे लोग इस प्राचीन जूडो में आए पर किसी ने भी उस ड्रैगन के बारे में नहीं पूछा, तुम्हें कैसे पता उस प्राचीन ड्रैगन के बारे में? एक्चुअली भाई साहब मुझे उस जायंट मॉन्स्टर ऑक्टोपस को हराना है, उसने मेरी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया और उसके लिए मैं प्राचीन सिक्कों को कलेक्ट कर रहा हूँ। उनमें से मैंने 3-4 सिक्के कलेक्ट कर लिए जिससे मैं इतना ताकतवर अपग्रेड हो चुका हूँ। देख रहा हूँ कितना ताकतवर हो चुका हूँ मैं, और ये सब में हेल्प मेरा एक शार्क दोस्त कर रहा है जो कि बाहर खड़ा है। तो ये सब किसी को बताना अलाउड नहीं है, पर ठीक है तुम उस मॉन्स्टर से लड़ना चाहते हो, मजाक मत करो। क्यों तुम्हें क्यों लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम्हारी हाइट मुझसे भी कम है और तुम्हें लगता है तुम उस बड़े जायंट मॉन्स्टर को हरा सकते हो? अगर तुम्हें पता हो तो ताकत सब कुछ होती है, शरीर कितना बड़ा हो वो मैटर नहीं करता। मुझे नहीं लगता
पहली बात, तुम्हारे पास ही वो सिक्का, वो सिक्का मुझे दे दो तुम, ठीक है ना? और वैसे तुम्हारे तीन भाई बताए ना, रुको मैं मेरे भाई को बुलाता हूँ। मेरे बड़े भाई इधर आओ, कोई मिलने आया है। लगता है मुझे मेरा भाई बुला रहा है, अभी आता हूँ भाई। दो मिनट रुको, कौन मिलने आया है हमसे? दरवाजे में से निकलता हूँ। हाँ भाई बोलो, क्या हो गया, कौन बुला रहा है? ए, ये कौन है, क्या हो गया भाई, कुछ बोला इसने तुम्हें? अरे भाई, हे भाई, ये बोल रहा कि इसको प्राचीन सिक्का दे दे हम। एक सेकंड, उस बाहर वाले शार्क ने तो मेरे को बताया था कि तुम लोग तीन भाई हो, पर तुम तो सिर्फ दो ही हो ना? हमारे तीसरे भाई को उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर ने मार डाला और फिर हम भाग के यहाँ पर छिप गए उससे बचने के लिए। मतलब तुम तीनों भाइयों ने लड़ाई की थी उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर से? हाँ, हम तीनों भाइयों ने लड़ाई की थी उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर से, पर हमारा एक भाई मारा गया और हम दोनों जिंदा है। अरे प्लीज यार, वो सिक्का मेरे को दे दो, प्लीज 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 प्लीज। अरे बच्चे मजाक है क्या, वो सिक्का हम तुम्हें ऐसे नहीं दे सकते। हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम हमें नहीं लगता तुम उस सिक्के के काबिल हो, तुम कहीं से ताकतवर नहीं लगते। एक सेकंड, मैं बहुत ताकतवर हूँ, अगर तुम लोगों को शक है तो मैं तुम दोनों भाइयों को एक साथ चैलेंज करता हूँ, मैं तुम दोनों भाइयों को ठिकाने लगा सकता हूँ, मैं इतना ज्यादा ताकतवर हूँ। अगर मैं तुम दोनों भाइयों को पीट देता हूँ तो तुम मुझे वो सिक्का दोगे? चलो ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, अगर तुम हम दोनों भाइयों को एक साथ हरा देता है तो हम तुझे वो सिक्का दे देंगे। ओके, तो गाइस यार, मुझे सिर्फ इन दोनों भाइयों को पीटना है और बदले मुझे वो सिक्का मिल जाएगा। देख लेना लड़के, हम दोनों भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है। हाँ ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो हो जाओ शुरू। अरे ये दोनों भाई कहाँ पर गायब हो गए, अभी तो मेरे सामने ही खड़े थे, कहाँ चले गए? ये ले। वो भाई, ये तो सही बहुत ज्यादा ताकतवर है। क्या हुआ, मारना हम दोनों को? अभी रुक जा, मेरी बारी। ओए वो कहाँ पर है, उसकी भी मुझे आवाज आ रही है। मेरा भाई तुझे मारेगा और मैं भी तुझे मिलके मारूंगा। तू तो नहीं बचने वाला। अबे तो मारो, मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ फिलहाल। मैं भी आ गया, ये ले। वो भाई, ये तो बहुत कुत्ते की तरह मार रहे। मार मेरे भाई इसको। हाँ, दिखा तेरी ताकत, ये ले। तू हमें ताकत दिखाना चाह रहा था, हमने तेरा मूंगफली बना दिया। ओके तो गाइस यार, तुमने बहुत मार लिया, अब मेरी बारी है मारने की। भाई ये तो सही में बहुत ज्यादा ताकतवर है, अभी रुक जा, ये ले। ये ले, ये तो सही में बहुत ज्यादा ताकतवर है। ओ भाई साहब, क्या आवाज आ रही है, अबे ये कैसी पावर्स है मेरे पास, मैंने मेरे पावर्स पहले यूज करके नहीं देखी है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक पावर्स है। ओह माय गॉड, हमने तो मूंगफली की तरह लोगों की बैंड बता दी सही। अरे ये क्या भाई, मुझे बचाओ। एक काम करते हैं, हम उस साइड जाके लड़ाई करते हैं। ये बाहर आओ पहले। ओ भाई सब पानी में नहीं, बाहर आके लड़ाई करेंगे हम यहाँ पर। चलो हो जाए दो दो हाथ, जैसा तुम चाहो, हम तुम्हें बाहर मारेंगे। अब मेरी बारी, ये ले। वाओ भाई साहब, ये देखो। ए, मैं तो बाकी चीजों को भी मार रहा हूँ साथ में। ये वाओ, वो भाई दोनों भाई है तो काफी ज्यादा ताकतवर, पर मुझसे ज्यादा तुम लोग ताकतवर नहीं हो, क्योंकि मैं हूँ सबसे ज्यादा पावरफुल। मैंने इतने सारे सिक्कों को टच किया अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, और मैं तुम दोनों भाई से हार जाऊंगा बिल्कुल भी नहीं। ये ले भाई, क्या पंचिस पे पंचिस मारे जा रहा हूँ इनको, पर हमें कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ होएगा, बहुत जल्दी होएगा, अभी नहीं हो रहा कुछ भी। ये ले वाह भाई साहब, क्या मार रहा हूँ। ये ले। अरे भाई साहब, ये दोनों भाई भी काफी ज्यादा पावरफुल है सेमी, पर कोई बात नहीं। वो अब मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। ये ले तेरी ऐसी। अरे इसकी ताकत तो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके। हाँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे सिक्के हैं और मुझे मेरे मम्मी पापा का बदला भी लेना है, उसके लिए चाहे मुझे तुम दोनों भाइयों को साथ में बैंड बजानी पड़े, मैं बजाऊंगा एक एक करके। ये ले। वो भाई साहब, कुत्ता बना दिया हमने दोनों भाइयों को मार मार के। अब टाइम आ चुका है तुम दोनों खत्म करने का। तू हमें खत्म करेगा, पहले खुद को देख ले। अभी रुक जा, पानी में से बाहर निकल के बताता हूँ तुम लोगों को। जब से मैं अपनी पावर्स का पूरा यूज नहीं कर रहा हूँ, अब देखना गाइस यार, एक बार मैं लोगों का कुत्ता नहीं बना दिया तो कहाँ है। मेरे सामने आओ, भग गए क्या दोनों भाई? नहीं, अभी हमें बहुत ज्यादा दम बाकी है, तो आओ ना मेरे सामने। पानी के अंदर क्या कर रहे हो, आओ। एक आया भाई बाहर निकल के, ये आया, अब इसकी बारी। ये ले। ओए मेरे को मारने का मौका नहीं दे रहे दोनों, क्योंकि एक साथ मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। अरे रुक जाना भूतनी के। ये ले। ओके तो गाइस एक गया। अरे तूने मेरे भाई के साथ क्या किया, अब तेरी बारी। ये भी ले। ये ले। और ये भी ले। तो गाइस
हमने यहाँ पर दोनों के दोनों भाइयों को इतना बुरा मारा कि दोनों के दोनों भाई बेहोश हो चुके हैं। अब इनका उठने का टाइम कितना लगेगा भाई ये भी तो नहीं पता मेरे को। अरे जल्दी दोनों के दोनों भाई खड़े हो, क्या स्लो मोशन में मारा है देख रहे हो, वो तो स्लो मोशन में हवा में उड़ रहा है और ये नीचे पड़ा है भाई, पर खून बहुत ज्यादा बह गया है। सैमी आ गया दोनों भाइयों को आखिरकार होश। मुझे माफ करना सैमी, मुझे लगा नहीं था, मुझे माफ करना, मैं बहुत ज्यादा गलत था, बड़ा ही होना का मतलब ताकतवर नहीं होता। हाँ मुझे भी माफ करना, मुझे लगा कि बस बड़ा हो जाना बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाना, पर तुमने हमें गलत प्रूफ कर दिया लड़के। हाँ गलत तो प्रूफ करना ही था क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा का बदला लेना था। बस हमारी एक इच्छा और पूरी कर दो, हम तुम्हें कॉइन देंगे जैसा हमने वादा किया था, हम तुम्हें वो प्राचीन ड्रैगन का सिक्का देंगे जैसा हमने वादा किया था। बस हम ये चाहते हैं तुम उस जायंट ऑक्टोपस को मार डालो जिससे हमारा बदला पूरा हो जाए, उसने हमारे भाई को मारा था। हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों का बदला जरूर लूंगा उस ऑक्टोपस से, उसे मारकर तुम्हारे भाई का बदला जरूर लूंगा और साथ में लेडी शार्क के हस्बैंड का भी बदला जरूर लूंगा, उसने लेडी शार्क के हस्बैंड को मारा है ना, और साथ में मैं जो शार्क मेरी मदद कर रहा है मैं उसका बदला लूंगा, उसकी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया उसने, उसका भी बदला मैं जरूर लूंगा, और साथ में मैं उस गैराज वाले जो वहां पर कबाड़ी वाला शार्क था उसका भी बदला लूंगा, उसकी पूरी लाइफ को तबाह कर दिया था उस ऑक्टोपस ने, मैं सबका बदला लूंगा, बस अब प्लीज मुझे वो सिक्का दे दो। लो तुमने जैसा कहा था ये रहा तुम्हारा सिक्का। ओके तो गाइस यहाँ पर ये देखो हमें फाइनली प्राचीन वाटर ड्रैगन का सिक्का मिल चुका है, बस मुझे इसको टच करना उसके बाद हम लोग अपग्रेड हो जाएंगे, और इस बार मुझे नहीं पता मैं कौन सी शार्क के अंदर अपग्रेड होऊंगा, पता नहीं कैसी ताकतवर सोनी शार्क के अंदर अपग्रेड होने वाला हूं। ओके तो गाइस यार चलो अपग्रेड होते हैं, लेट्स अपग्रेड। ओ तो चलो गाइस यार अभी हम लोग यहां पर आ चुके हैं। ओ ये देखो ये भाई तुम्हारा भाई कितना ज्यादा बफ शार्क के अंदर अपग्रेड हो गया भाई, धीरे धीरे करके मैं तो अल्टीमेट शार्क के अंदर अपग्रेड हो जाऊंगा। वैसे यहाँ पर चल क्या रहा है यार, एक सेकेंड ये सब क्या चल रहा है भाई यहाँ पर। ओए तुम सभी लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैंप चैलेंज में, मेरा नाम है गोल्डी गोल्डी शार्क वाले, मेरे पास है चार प्राचीन ड्रैगन के सिक्के, मैं तुम में से किसी एक को दूंगा मेरे प्राचीन ड्रैगन के सिक्के। मुझे चाहिए। वो टाइम बताएगा कि किसे मिलेगा, हल्क शार्क को या इस नीली शार्क को या फिर इस चूहे को, तो जाओ दिखाओ जीत के। तो तुम्हें शुरुआत में यहाँ से मोशन ट्रक लेना है, उसके बाद डिस्को में से घूमते घूमते तुम यहाँ बाहर आओगे, घर के ऊपर से साइड में जाओगे, फिर यहाँ से जंप लगाओगे नीचे आओगे, और घूम घुमा के मर मुरा के तुम आखिर में पहुंचोगे यहाँ, जो जीतेगा उसे मिलेगा प्राचीन ड्रैगन के सिक्के। ओके तो गाइस यार सबसे पहले ये चूहा जा रहा है, देखते हैं गाइस यार ये चूहा क्या करने वाला है। अरे गाइस यार ये कोई चूहे की तो आवाज नहीं है, ये तो एक बतख की आवाज है। ओके तो गाइस यार मुझे इसकी आवाज सुनाई दे रही है, ये कह रहा है कि ये चूहा होके इसकी बतख की आवाज है इसलिए शार्क बनना चाहता है, तो इसकी आवाज सही हो जाए और कोई इसका मजाक ना उड़ाए। अरे भाई साहब तू सिर्फ तेरे मजाक कम करने के लिए तुझे वो सिक्के चाहिए, पर मुझे यहाँ पर मेरे मम्मी पापा का बदला लेना है और साथ में इतने सारे लोगों का बदला लेना है। भाई ये तो बहुत ज्यादा बुरा है देख रहे हो, नीचे गिरा दिया उन लोगों को और हंस रहा है। ओए तू तो नहीं जीतने वाला, तेरा जैसा बुरा आदमी कभी भी नहीं जीत सकता। ओए भाई ये नहीं जीतना चाहिए। ओ भाई ये तो मस्त जा रहा है, ऐसे तो सैमी जीत जाएगा। गाइस ये नहीं जीतना चाहिए बिल्कुल भी, अगर ये जीत गया तो सोचो यार मैं कितने सारे लोगों का बदला लेना चाहता हूँ, मैं उन लोगों को बदला नहीं ले पाऊंगा अगर ये चूहा यहाँ पर जीत गया तो। नहीं यार वहाँ पर वो लड़की जिसका पति मार दिया उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर ने, और साथ में मेरी पूरी फैमिली और भाई साहब ट्विन ट्रिपल ब्रदर्स का एक भाई मार दिया उस ऑक्टोपस ने। नहीं नहीं मेरे कितने सारे लोगों का मेरे को बदला लेना, उन सभी लोगों की इच्छा मेरे ऊपर है। ओए गाइस ये कह रहा है अगर इसे ये घर मिल जाता है तो ये यहीं पर ही रहेगा। दरवाजा बंद है। ओए यार काश वो दरवाजा खुला होता तो इसी घर के अंदर रह जाता। ये आगे जा रहा है, देखते हैं गाइस यार क्या होने वाला है, मुझे तो सही बहुत ज्यादा डर लग रहा है क्योंकि ये तो आगे बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे तो जीत ही जाएगा। यहाँ पर ये हार गया, ये चुल्लू भर पानी में डूब मर जाके, चल भूतनी के। अब मेरी बारी है, एक बार मुझे वो सिक्के मिल जाए जैसा कि ऑक्टोपस मॉन्स्टर ने कहा था कि वो मेरे को कुछ नहीं करेगा और मुझे अपना राइट हैंड बना लेगा। क्या तू उस ऑक्टोपस के लिए काम करता है? हाँ मैं उसी ऑक्टोपस के लिए काम करता हूँ, आज न कल वो पूरे लॉस सैंटोस के ऊपर राज करेगा,
तो मैं नहीं चाहता कि वो मुझे भी मार दे, इसलिए मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ। एक बार मुझे वो सिक्के मिल जाए तो मैं वो सारे के सारे सिक्के जाके अपने बॉस को दे दूंगा और बॉस मेरी जान बख्श देंगे और साथ में मैं उनका राइट हैंड बन जाऊंगा और फिर मेरे को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये इंसान यहाँ पर क्यों खड़े, मरो जाके। ए, ये क्या, इंसानों को मारने के चक्कर में मैं मर गया। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। गाइस यार देखा आप लोगों ने एक मुहावरा सुना होगा ना, लोग जिसके लिए गड्ढा खोदते हैं एक दिन उसमें खुद ही गिर जाते हैं। भाई इसने जो गड्ढा खोदा था ये खुद ही उसमें गिर गया यार, उन इंसानों को नीचे गिराना चाहता था ना, इस चक्कर में खुद ही नीचे गिर गया। अरे चाओ चाओ, हाँ जा रहा हूँ, चढ़ गया। ओ हो, तो चलो गाइस यार यहाँ पर अब हमारी बारी है और हम लेके जा रहे हैं खतरनाक वाला मॉन्स्टर ट्रक। भाई कितने बड़े बड़े टायर्स है वो, भाई साहब चक्कर आ रहा मुझे तो। वो इधर आ जा, वो ऊपर नहीं, वो ब्रेक 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 ब्रेक। अरे भाई साहब रुक जा। वैसे ये यार ये सामने घर थे, अगर ये सामने घर नहीं होते तो पक्का मेरा मॉन्स्टर ट्रक रुकता नहीं, ब्रेक नहीं लगते और मैं डायरेक्ट नीचे जाता। तो चलो गाइस यार मैं तो किसी को नीचे गिराऊंगा नहीं क्योंकि मैं कोई बुरा आदमी थोड़ी हूँ यार उन लोगों की तरह। तो चलो अब चलते हैं। तो गाइस यार अगर आप लोग भी चाहते हो हम सभी लोगों का बदला ले ले उन बेकार शार्क से, उस ऑक्टोपस से, शार्क नहीं, ओ सिट सिट, ब्रेक 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 ब्रेक, भाई वापस लेनी पड़ेगी। भाई सब स्लो हो गया मेरा बहुत ज्यादा मॉन्स्टर ट्रक। तो गाइस यार यहाँ पर मुझे बूस्ट की जरूरत है। ओके 1 2 3 लेट्स गो। वो भाई सब ये हम लोग चले, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे नहीं नहीं नहीं, बाहर नहीं जाना, ट्रैक पे आ जा वापस। बच गए भाई साहब, वापस ट्रैक पे आ गया हमारा मॉन्स्टर ट्रक। सही है, चल 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 चल। ओहो भाई नहीं नहीं नहीं। हाँ तो गाइस यार मैंने इतने सारे लोगों को वादा किया है कि मैं उन लोगों की जो लोग मरे हैं उनका बदला लूंगा उस ऑक्टोपस मॉन्स्टर से, मैं बिल्कुल नहीं हार सकता, यहाँ पर मुझे जीतना ही पड़ेगा। तो गाइस यार आप लोग क्या कर रहे हो, चल इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो कि सुमित भाई तुम ही जीतोगे और हम लोग यहाँ पर जीत जाएंगे फिर। स्लोली दिख नहीं रहा कुछ भी। ओके तो गाइस यार यहाँ तक हम पहुंच गए, मेरे को यहाँ से लेनी है बाइक, चलो उतर के बाइक ले लेते हैं जल्दी से। भाई साहब कौन सी वाली लेने वाला हूँ मैं ये बीच वाली लूंगा ऑरेंज कलर की। ब्रूम भाई साहब क्या बाइक है, सही है, काफी अच्छी है। चलो भाई मेरे पास टाइम नहीं है जल्दी जल्दी करना यार, क्योंकि शाम तक मेरे को कैसे करके अपने आप को अपग्रेड करना है, क्योंकि उसके बाद वो ऑक्टोपस सोने चला जाता है और मैं नहीं चाहता कि मैं कल तक वेट कर उसको मारने का, तो मैं उसे अभी मारूंगा जाकर। ओए भाई मेरे को ऊपर चढ़ाना पड़ेगा शायद, नहीं नहीं यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं और ये चलेगा नाइस। अभी ये क्या है भाई, अजीब सा है, कुछ गोल गोल इनमें से कुछ निकलेगा क्या, पता नहीं कुछ नहीं निकला। अरे सामने दीवार, ओए भाई मेरा तो गला ही खराब हो गया था एक सेकंड के लिए, पर हमने वो दीवार तोड़ दिया यार, असल में कोई लकड़ी की दीवार होगी। और यहाँ पर सामने क्या करना, ओए इस तरफ आ जा। ओए भाई नहीं 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 नहीं, अबे ये क्या बकवास ही रहा यार, बच के अभी नीचे चला जाता। ओए ये क्या करना है यहाँ पर, अरे अरे चक्कर आ गए, अरे भाई कहाँ जा रहा हूँ मैं। ओ भाई क्या बचाऊं, बार बार क्रिसमस ट्री ने रोक लिया मेरे को, शुक्रिया क्रिसमस ट्री मेरी हेल्प करने के लिए। अब मेरे को यहाँ से लेना एक हेलीकॉप्टर। चलो गाइस यार ये वाला व्हाइट कलर का हेलीकॉप्टर लेता हूं, और इन हेलीकॉप्टर्स का क्या करना है, वहां पर जाना है इस हेलीकॉप्टर को लेके। अभी साइड वाला हेलीकॉप्टर में टकराएगा तो नहीं, चलो नहीं टकराएगा, ये हो गया हेलीकॉप्टर ऑन, लेट्स गो। ओ भाई साहब यहाँ से मैं शायद बाइक भी लेके जा सकता था या नहीं लेके जा सकता, पता नहीं। अब यहाँ से इस हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करते करते जाना है जंप, मेरे को यहाँ से जंप लगानी है, ये लगाई हम लोगों ने जंप। वो भाई पैराशूट, वो भाई साहब बिल्कुल परफेक्ट वक्त पे हमने पैराशूट खोल लिया। अब धीरे धीरे हमें नीचे जाना है, प्लीज 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 प्लीज, घूम जाइए। ओ भाई मुंह पे टिका सीधा मेरे, ओए बच गया यार, विंडमिल सीधा मेरे मुंह पे टिका था यार। चलो यार अब मेरे को यहाँ पर ये लेनी है जेट्स की, चलो जेट्स की के अंदर बैठते जल्दी सी। ये हम लोग बैठ गए और ये हम लोग चले फुल स्पीड में, वो बैठे बस थोड़ा सा और उसके बाद वो सारे सिक्के मेरे हो जाएंगे। इस तरफ घुमा, चलो 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 चलो, मेरे को 4 या 5 सिक्के मिलने वाले हैं, नाइस नाइस नाइस। बस मेरे को यहाँ पर ऊपर चढ़ाना और उसके बाद सिक्के तुम्हारे भाई के हो जाएंगे। और ये क्या भाई साहब, लास्ट टाइम पे यार मेरे को टक्कर लग गई थी यार, बच गया बार बार। और ये हम लोग पहुंच गए, सॉरी गाइस यार लास्ट में मैंने 2 लड़कियों को उड़ा दिया जो नीचे गिर गई। अरे कोई बात नहीं, हम ठीक है। ओके चलो ठीक हो तुम लोग। ओए एक सेकंड, यहाँ पर तो वो सिक्के होने चाहिए ना, वो सिक्के कहाँ पर है, वो सिक्के कहाँ पर भाई, अल्लाह दे लाऊं सिक्के दे लाऊं। ओ गाइस यार ये देखो यार, प्राचीन वाटर ड्रैगन के सिक्के आ गए मेरे आगे। चलो गाइस यार बस मुझे इनको टच करना और उसके बाद हम लोग अपग्रेड हो जाएंगे। तो चलो यार बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स अपग्रेड। गाइस मैं एक अल्टीमेट शार्क के अंदर अपग्रेड हो गया, और ये वो अल्टीमेट शार्क। गाइस यार ये तो बहुत ज्यादा छोटी है, इस शार्क के साथ तो मैं उस ऑक्टोपस को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। नहीं यार ये तो बहुत छोटी है सेमी। ओए ये क्या भाई, इस शार्क के पास कोई खतरनाक वाली पावर्स लगती है मेरे को। गाइस यार देखो मैं ये शार्क बन के उड़ सकता हूँ, आखिर मैं उड़ कैसे पा रहा हूँ। ओए ये क्या भाई, वो त्रिज है, ये क्या पावर्स है सेमी। ओ भाई ये देखो गाइस यार मेरे पास तो सेमी बहुत तगड़ी तगड़ी पावर्स, और ये क्या पावर भाई, वो 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 वो
गाइस यार इसके साइड में जो मशीन गन सी लग रही कोई नॉर्मल मशीन गन नहीं है, इससे मेरे पास क्या खतरनाक खतरनाक पावर्स आ गए सही में। ये देख लो आप लोग, ओ भाई अब तो भाई मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास जो इतनी खतरनाक वाली पावर्स आ चुकी है, देखो मैं कैसे हवा मुड़ पा रहा हूँ भाई। ये तो एक नंबर की खतरनाक वाली शार्क है। कहाँ पर है? मुझे सिर्फ पानी के अंदर हमला करना, जिससे वो पानी से बाहर निकल के आए। बाहर निकल के राक्षस, ये ले। तो भाई सब कुछ और पावर्स भी तो होगी मेरे पास, चेक करने दो। तो गाइस यार मैंने इतनी मेहनत की है तो मेरे पास इससे भी ज्यादा ताकत और कुछ होना चाहिए। चलो एक बार ट्राई करता हूँ, ये क्या है मेरे पास? ओ तो गाइस ये कुछ तगड़ा लग रहा है। ओ भाई सब चल मॉन्स्टर निकल बाहर, पानी में से बाहर निकल। तुम हो क्या जिसने मुझे बुलाया? तुम तो मेरे बराबर के भी नहीं, तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? मैं असल में उसी परिवार का हिस्सा हूँ जिसको तूने सुबह मार दिया था। क्या वो नीले कार्टून उनके बेटे हो तुम? तुम उससे बचे कैसे? मैं वहां से चला गया था, किसी ने मेरी हेल्प की थी वहां से जाने में, पर अब तू बचेगा नहीं, तू मरेगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुझे क्या लगता है तू मेरे को ऐसे ही मार देगा? हाँ मैं तेरा कुत्ता बनाने वाला हूँ, ट्राई करके देख लो लड़के। ओके तो चलो गाइस यार, इसके ऊपर मुझे सबसे ताकतवर हमला करना है मेरा, जो कि मेरे पास शायद यही है। ओके चल भाई, हो जा रेडी। ये क्या पावर है तुम्हारे पास? मेरी सबसे ज्यादा ताकतवर पावर ये ले। ओ भाई साहब, ओ माय गॉड, हाय तुम इतनी ताकतवर कैसे हो सकते हो? तुम इतने ताकतवर नहीं हो सकते, आखिर ये कैसे? ये ले और खतरनाक वाला ब्लास्ट मेरा, ये ले। ओ भाई धड़ाक, ओ भाई सब ये नहीं बचने वाला। अब ये देख मेरी और तगड़ी तगड़ी पावर्स, ये ले। ये गाइस एक इलेक्ट्रिक शॉक, ये ले, इससे तू बचेगा नहीं, ये ले। वो भाई सीधा तो टेंटिकल्स काट दी मैंने। ओए तुम बहुत ताकतवर हो, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये ले, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, ये ले। ओए तूने मेरे फैमिली को मारा। ओए गाइस यार देख रहे हो, मैंने तो इसको पछाड़ दिया। चल एक आखिरी बार हो जाए, चल निकल यहाँ से, वापस कभी मत आइयो। ओ भाई साहब फाइनली हमने अपने मम्मी पापा का बदला ले लिया, और साथ में उन सभी लोगों का जिसने मेरी हेल्प की मेरे को एक अल्टीमेट सोनिक शार्क में अपग्रेड होने के लिए। भाई साहब देख रहे कैसे तड़प रहा है, ये तो गया भाई। चलो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूले भटके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे इसको नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, जब तक के लिए सायोनारा।